आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। अनमोल इंडस्ट्रीज कर्मचारियों ने C2 के बैनर तले कंपनी के मुख्यालय सेक्टर 18 पर किया प्रदर्शन। गंगेश्वर दत्त शर्मा नोएडा, उत्पीड़न के खिलाफ और समस्याओं मांगों की उपेक्षा से नाराज मैसर्स अनमोल इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्लॉट नंबर 38 एंड एफ उद्योग विहार ग्रेटर नोएडा के कर्मचारियों ने अनमोल इंडस्ट्रीज एम्प्लॉइज यूनियन C2 के बैनर तले यूनियन के अध्यक्ष मुकेश राघव, C2 जिलाध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा, जिला महासचिव राम सागर के नेतृत्व में अनमोल इंडस्ट्रीज के हेड ऑफिस वेव सिल्वर टावर F4 पांचवी मंजिल वेव 1 सेक्टर 18 नोएडा पर 20 दिसंबर 2021 को धरना प्रदर्शन कर कर्मचारियों की लंबित मांगों समस्याओं पर कंपनी प्रबंधकों से सम्मानजनक समझौता करने की मांग की गई है। साथ ही श्रमिकों की समस्याओं मांगों का समाधान नहीं होने की स्थिति में कंपनी प्रबंधकों खिलाफ आंदोलन को तेज करने की चेतावनी भी दी गई है। धरना प्रदर्शन को अनमोल एम्प्लॉइज यूनियन के नेता मुकेश राघव, सुखलाल, विमलेश सरोज, ईश्वर दत्त शर्मा, मनोज वैश्य, रामकाश, जोगेंद्र सैनी, C2 नेता गंगेश्वर दत्त शर्मा, राम सागर, भरत बेंजर, भीखू प्रसाद आदि ने संबोधित किया। मुकेश राघव अध्यक्ष अनमोल इंडस्ट्रीज एम्प्लॉइज यूनियन C2 क्राइम रिपोर्टर कपिल चौहान, धन्यवाद आपका टाइम। अनमोल इंडस्ट्री में एक लंबे समय से विवाद चल रहा है। श्रमिकों की मांगे लंबे समय से लंबित है। प्रबंधक यूनियन द्वारा प्रस्तुत मांगों पर सम्मानजनक समझौता नहीं कर रहे हैं, जिसके विरोध में अनमोल इंडस्ट्री के हेड ऑफिस सेक्टर 18 पर कर्मचारियों ने C2 के बैनर तले और धरना प्रदर्शन किया है और अपनी मांगों पर सम्मानजनक समझौता कराने की मांग की है। हमारे बीच में CI2 के जिला महासचिव कमल राम सागर हैं, जो आज के धरने की जो है जानकारी देंगे। साथी राम सागर, साथियों, जैसा कि आप तमाम साथी जानते हैं, 30 दिसंबर 2020 को हमने अपनी समस्याओं और मांगों का मांग पत्र यहाँ के प्रबंधन को दिया है। लगभग एक साल पूरा होना जा रहा है और प्रबंधन उस मांग पत्र पर कोई सम्मानजनक वार्ता नहीं कर रहे हैं और ना ही कोई समझौता कर रहे हैं। उससे मजदूरों का मांग पत्र पर से ध्यान हटाने के उद्देश्य से तमाम तरीके के गलत आरोप मजदूरों पर लगा रहे हैं, मजदूरों के वेतन से कटौतियां कर रहे हैं और यहाँ की जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन निर्मायुक्त महोदया वो भी अपने कान में तेल डाल के बैठी हुई है। मजदूरों के मांग पत्र पर हमने उनको सारी जानकारी दी है कि अनमोल के प्रबंधन को जब जब मांग पत्र दिया है तब तक वो आसानी से नहीं माना है, जब तक जिला प्रशासन ने हस्तक्षेप नहीं किया है, लेकिन उपनिर्मायुक्त महोदया ने अभी तक जिला प्रशासन से कोई सहयोग नहीं लिया है। अगर सहयोग लेके मांग पत्र पर सम्मानजनक समझौता नहीं करवाया तो हम उपनिर्मायुक्त कार्यालय पर लगातार रात दिन का धरना वहाँ देंगे। जब तक हमारी मांग पत्र पर सम्मानजनक समझौता नहीं होगा धरने को हम समाप्त नहीं करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। श्रमिकों की समस्या का समाधान करना होगा, करना होगा, करना होगा। मांग पत्र पर सम्मानजनक समझौता करना होगा। प्रबंधकों द्वारा नहीं किया जा रहा है उसके विरोध में हम यह धरने प्रदर्शन के माध्यम से अनमोल इंडस्ट्रीज के शीर्ष प्रबंधक को ये बताने के लिए आए कि कर्मचारियों की जो मांगे हैं उन मांगों पर यूनियन के साथ बैठ करके सम्मानजनक समझौता कर लीजिए। अगर आप समझौता नहीं करेंगे तो आने वाले समय में ये संघर्ष और तेज होगा, बड़ा आंदोलन होगा। आज हम काम को चालू रखते हुए कुछ साथियों के साथ यह धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं। अगर अनमोल के प्रबंधकों ने यूनियन द्वारा प्रस्तुत की गई मांगों पर सम्मानजनक समझौता नहीं किया तो संस्थान के अंदर हड़ताल करके बड़े आंदोलन की तरफ हम जो लोग जाएंगे। जो मांगे हैं, जो समस्याएं हैं, लगातार प्रबंधकों के सामने रखी है, यहाँ के जिला प्रशासन के सामने रखी है, श्रम विभाग के सामने रखी है,
श्रम विभाग की जो मुखिया है वंदना गुप्ता जी, उनके समक्ष आईआर की वार्ता भी चल रही है, लेकिन उन वार्ताओं में कोई सम्मानजनक हल नहीं निकल रहा है। डीएलसी महोदया श्रमिकों के ऊपर जो दबाव बना करके समस्याओं का समाधान कराना चाहिए वो नहीं करा रही हैं। डीएलसी महोदया के सामने भी हमने धरना प्रदर्शन किया है। कंपनी प्रबंधक और श्रम विभाग की जो साठगांठ है इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन श्रम विभाग कार्यालय पे भी हमारी यूनियन करने जा रही है, जिसमें अनिश्चितकालीन का धरना श्रम विभाग पे दिया जाना प्रस्तावित है, ताकि अनमोल इंडस्ट्री के हेड ऑफिस पे भी बड़ा प्रदर्शन दोबारा फिर करेंगे, फिर बड़ी संख्या में आएंगे। हमारे बीच में यूनियन के अध्यक्ष साथी मुकेश है, जो संक्षेप में बताएंगे जो मांगों के बारे में। आप लोग जानते हो ये कोरोना काल में पूरी हमने मेहनत से जो है ना काम किया है, लेकिन पूरा एक साल हो गया हमारे किसी भी साथी का वेतन वृद्धि नहीं हुआ है। साथियों, हमारे साथियों पर छोटे मुकदमा बनाए जा रहे हैं उन मांगों को लेकर, और कुछ हमारी सामाजिक सुरक्षा है जहाँ पर बीमा दुर्घटना बीमा जो मालिकों ने छूटे जो है ना हमारे आपके बीच में फैसला करा उन बातों को नहीं माना जा रहा है, जो पुराने भी फैसले हुए उन समस्याओं को नहीं लागू किया जा रहा है। हमारे अभी पता लगा दुर्घटना बीमा 1 लाख रुपए रख रखा था, उस पॉलिसी को बंद कर दिया है। कैंटीन में 1 साल से फ्री मुफ्त इंडस्ट्री का हेड ऑफिस है, सेक्टर 18 की मार्केट के अंदर अनमोल इंडस्ट्री का ये हेड ऑफिस पे अनमोल एम्प्लॉयज यूनियन के बैनर तले ये धरना दिया जा रहा है। ये धरना श्रमिकों की लगातार मांगों की उपेक्षा किए जाने के और ये अनमोल के प्रबंधन के साथियों बहुत आदमी है, आप लोगों को समझना पड़ेगा। अरे क्या बताए, जब 15 दिन सामने आ जाएगा और दूसरा फसल बात करोगे तो नहीं बनेगा, उसके साथ 15 दिन होना पड़ेगा। 15 दिन तो 15 दिन लेकिन तरह का बात करोगे जवाब दोगे तो उसकी समझ में आएगी। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि अपनी एकता अपनी मजबूती को बना के रखे, और आज तो हम कारखाना चलाते हुए एक शिफ्ट लेकर के धरना देने आए हैं। अगर इसके बावजूद भी वो नहीं माना तो पूरा कारखाना बंद करके यहाँ पर आएंगे और चक्का चाप कर देंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।